Good morning to all. This is Navneet Jang from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to discuss the poem number second. The name of poem is The Kite. Okay, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी poem number two है जिसका नाम है The Kite. इससे पहले हमने पढ़ा था इसका जो chapter है वो है dog वाला chapter है. उसमें कैसे हमने देखा कि एक जो dog होता है वो अपना नया नया मास्टर ढूंढता रहता है. ठीक है, उसके बाद हम आज पढ़ने वाले अपनी ब्यूटीफुल पोएम है द काइट. इस पोएम को लिखा है हैरी बैन ने. ठीक है, और इस पोएम में उन्होंने काइट की स्पेशलिटी बताई है कि काइट को उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल वे में डिस्क्राइब किया है और ये बताया है कि काइट कैसी होती है. वो सिर्फ एक चीज नहीं है, उसके फीलिंग्स है, जो वो काम करती है उसको दूसरी चीजों से कंपेयर किया है. ठीक है, और आपने कभी सबने देखा होगा, आपने सबने ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई स्काई फ्लाई काइट्स. हम सबको काइट्स उड़ाना पसंद है ना, है या नहीं है? हमने कभी हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन, क्या आपने कभी एक काइट को उड़ाया? आपने जब उड़ाया होगा तो आपने ये महसूस किया होगा जब वो हवा में जाती है, ऊपर जाती है, तो वो कैसे हवा में उड़ती है ना. और जब हम उसको उड़ाते हैं तो उसके जो हवा के झोंके लगते हैं तो उससे उसकी स्ट्रिंग होती है, वो कैसे ऊपर जाती है, नीचे आती है, कैसे फ्लिप फ्लॉप करती है, उसी चीज को हैरी बैन ने इसमें पोएम के थ्रू में समझाया है. चलो पोएम पढ़ते हैं. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. ठीक है, अब ऐसा बोला कि हाउ ब्राइट, कितनी शानदार लगती है ऑन द ब्लू. यहाँ पे ब्लू किसके लिए है? यहाँ पे जो अपना ब्लू है किसके लिए? ब्लू ब्लू है काइट, आसमान के लिए. ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जब एक पतंग होती है, एक नई पतंग होती है, और जब वो आसमान में उड़ती है तो वो कितनी शानदार लगती है, कितनी ब्राइट लगती है. क्यों? जब पतंग उड़ती है तो वो अलग ही दिखती है आसमान के अंदर, है ना, अलग से दिख जाती है. हाँ, पतंग उड़ रही है. विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप इट्स टेल. ठीक है, विद ए डाइव एंड ए डिप. डाइव का मतलब क्या होता है? डाइव का मतलब होता है गोता खाना. ठीक है, नीचे जाना, ऐसे उड़ान भरना, नीचे जाना. ठीक है, और डिप का मतलब क्या होता है? डिप का मतलब ही होता है नीचे जाना. सर, यस बेटा. सर, आप कौन सी बुक पढ़ा रहे हो? बेटा अपनी सर, आप कौन सी बुक पढ़ा रहे हो? अपन जो बुक है ना, अपन जो डेली पढ़ते हैं वही बुक है, उसमें पोएम नंबर सेकंड है. ठीक है, सेकंड पोएम है अपनी द काइट. ओके सर, ये वाली बुक है. ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया इसके अंदर? विद अ डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. उसमें बताया है कि जब एक काइट होती है वो डाइव करती है. डाइव का मतलब क्या होता है? डाइव का मतलब होता है छलांग लगाना. आसमान से जब कोई चीज नीचे छलांग लगाई जाती है तब वो हवा में जब वो चीज तैरती है तो उसको अपन डाइव बोलते हैं. एंड ए डिप, और डिप का मतलब क्या होता है? डिप का मतलब होता है डूबना. ठीक है, डिप का मतलब होता है डूबना. इट स्नैप इट्स टेल, क्या बोला गया है? विद अ डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, कि जब ये हवा में गोता खाती है, डूबती है, ऊपर नीचे जाती है, तो क्या करती है? इट स्नैप्स इट्स टेल, तो अपनी जो उसकी पूंछ है वो उसको क्या करती है? चटकाती है, इधर उधर हिलाती है, उसको लहराती है. देन सोर लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल, और उसके बाद क्या करती है? जैसे ही इस पे हवा लगती है, जैसे ही पतंग पे हवा लगती है, तो क्या करती है? देन सोर लाइक ए शिप, जैसे कि एक जहाज होता है उसकी तरह ये उड़ान भरती है. ओनली विद ए सेल, ठीक है, सिर्फ एक ही सेल के साथ. सेल का मतलब क्या होता है? आप सबने देखा होगा जब भी एक शिप होती है, जैसे मान लो ये कोई नाव है. ठीक है, इसमें जैसे ये जो पर्दा होता है जिसमें जिसमें हवा आके अटकती है, ठीक है, शिप का जो पर्दा होता है ये वाला जो भाग होता है कपड़े का, इसे अपन सेल बोलते हैं. ठीक है, इसे सेल बोलते हैं. तो इसमें पतंग के लिए सेल क्या है? पतंग के लिए, एक काइट के लिए सेल क्या चीज होती है? जैसे मान लो ये पतंग है, ठीक है, ये अपनी काइट है. ठीक है, तो काइट का ये वाला पार्ट जो है जहां पर हवा भर जाती है आकर, जहां पर हवा आकर भर जाती है, उस पार्ट को काइट के लिए इस पोइट ने सेल बताया है. ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि जब इस सेल में हवा लगती है, जब पतंग के इस वाले हिस्से में
हवा भर जाती है तो क्या करती है, देन सोर्स लाइक ए शिप, एक जहाज की तरह ऊंची उड़ान भरती है। जैसे कि मानो एक पानी का जहाज क्या कर रहा है, एक पानी का जहाज आसमान में तैर रहा है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड्स इट राइड्स, ठीक है, एज ओवर टाइड्स, ऐसा लगता है जैसे एक शिप होता है, जैसे एक शिप होता है वो टाइड पे लहराता है। टाइड यानी क्या होती है, टाइड का मतलब होता है लहर, ठीक है। जब एक शिप होता है जो वो टाइड पे लहराता है, टाइड पर लहराता है, उसकी लहरों की सवारी करता है, उसी तरह है पतंग क्या करती है, पतंग जब आसमान में उड़ती है तो क्या करती है, जो हवा की जो लहरें होती है ये उनकी सवारी करती है, ठीक है। राइड्स का मतलब क्या होता है, सवारी करना, ठीक है, राइड्स मतलब सवारी करना, ठीक है। तो पोएम ने क्या, पोएट ने हमें क्या बताया है कि जब हवा, जैसे एक शिप होती है, जैसे एक जहाज पानी का जहाज होता है वो लहरों के ऊपर लहरों की सवारी करता है, उसी तरीके से जो एक काइट होती है जब तेज हवा चलती है तो ये भी क्या करती है, उस तेज हवा की सवारी करती है। क्लाइम्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, ठीक है। और जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है, जब तेज हवा चलती है तो क्या करती है, ये गस्ट का मतलब क्या है, जो वर्ड अपना है गस्ट, इसका मतलब क्या है, तेज हवा चलना, ठीक है। जब बहुत तेज हवा चलती है तो क्या करती है ये, जब तेज हवा चलती है तो क्या होती है, ये पुल होती है, पुल यानी खींची जाती है, कि हवा क्या करती है, हवा पतंग को खींचती है, ठीक है। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, हवा जो है वो पतंग को खींचती है। क्लाइम्स ऑन द क्रेस्ट, और इस तरह से जो तेज हवा है उसको खींचकर कहां ले जाती है, उसको खींचकर वो ऊंचाई तक ले जाती है, ठीक है। जैसे एक इंसान होता है, एक इंसान होता है जब वो पहाड़ पर चढ़ता है तो वो उसकी चोटी पर चढ़ जाता है, उसी तरीके से पतंग के लिए ये बताया गया है कि जब तेज हवा चलती है तो उसको तेज हवा खींच कर पुल कर कर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है, ठीक है। क्रेस्ट यानी क्या होता है, क्रेस्ट का मतलब होता है ऊंचाई या फिर चोटी, ठीक है, जो ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं क्रेस्ट। पहाड़ का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो चोटी होती है, ये पहाड़, जैसे मान लो ये पहाड़ अपना, इसका ये वाला पार्ट जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, पीक, ठीक है, इसको पीक बोलते हैं वो। तो पतंग की, जब पतंग जब हवा में ऊपर उड़ती है, आसमान में ऊंची जाती है, तो उस चीज की तुलना किससे करी गई है, उस चीज की तुलना हमारा जो पहाड़ का जो पीक है उससे करी गई है, ठीक है। आगे देखो, देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जैसे ही वो तेज हवा रुक जाती है तो ऐसा लगता है जैसे मानो वो आराम कर रही है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे एक आदमी होता है, एक इंसान होता है, या फिर कोई शिप होती है, ठीक है, जहाज होता है, एक पानी का जहाज होता है, जब लहरें शांत रहती है, जब समुद्र के अंदर लहरें शांत रहती है तो वो समुद्र का जहाज कैसे आराम से खड़ा रहता है, और उसी तरह है जैसे एक इंसान होता है वो सारी मुश्किलों से क्या होता है, निकल जाता है, तो वो आराम से रहता है। तो उसकी तुलना किससे करी गई है, उसी की तुलना पतंग से करी गई है। इसमें बताया गया है कि देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, जैसे ही जो विंड है, विंड मतलब हवा, ठीक है, विंड का मतलब क्या होता है, बहती हुई हवा होती है ना, चलती हुई हवा होती है, उसको विंड कहते हैं। क्या बोला गया इसमें कि जैसे ही जो विंड है वो शांत हो जाती है, हवा रुक जाती है, फॉल्स का मतलब क्या होता है, रुकना, शांत होना, जैसे ही हवा शांत हो जाती है, रुक जाती है, तो जैसे मानो ऐसा लगता है कि जो पतंग है वो आसमान में क्या कर रही है, आराम कर रही है। When string goes slack, you wind it back, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे ही इसकी जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग का मतलब when string goes slack, स्ट्रिंग मतलब पतंग का जो धागा होता है ना, जिससे पतंग उड़ाई जाती है, ये वाला धागा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया इसके अंदर, When string goes slack, you wind it back, मतलब जैसे स्ट्रिंग सुस्त हो जाती है, या फिर जब हवा रुक जाती है, हवा रुकने से क्या होता है, पतंग की जो
सिंग है ये ढीली पड़ जाती है, सुस्त पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको खींचते हैं और खींच के क्या करते हैं, इसको दोबारा इसमें हवा भरने की कोशिश करते हैं, हम दोबारा ये देखते हैं कि हम इसे खींचे और इसके दोबारा इसके हवा लगे, है ना। ये करते ना हम जब पतंग उड़ाते हैं तो जैसे मान लो हवा रुक जाती है तो पतंग जब नीचे गिरने लगती है ना, तो हम क्या करते हैं इसका जो स्ट्रिंग होता है वो ढीला पड़ जाता है ना, जो इसका धागा है वो डोर जो होती है वो ढीली पड़ जाती है ना इसकी, तो हम क्या करते हैं उस डोर को खींचते हैं और फिर ये कोशिश करते हैं कि उसके हवा लगे, ये कोशिश करते हैं ना कि पतंग के हवा लगे। तो ये कहा गया इसके अंदर कि व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, कि जब स्ट्रिंग है जो पतंग का धागा है जो डोर है वो सुस्त पड़ जाती है। स्लैक का मतलब क्या होता है, स्लैक का मतलब होता है सुस्त पड़ना, स्लैक मतलब सुस्त पड़ना, ठीक है। जब इसकी स्लैक है जो स्ट्रिंग है वो सुस्त पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, यू विंड इट बैक, तो हम इसे दोबारा हवा के अंदर ले जाते हैं। यू रन एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज, और हम क्या करते हैं, और हम क्या करते हैं कि उसकी जो स्ट्रिंग है डोर है उसको खींचते रहते हैं, और कब तक खींचते हैं हम, कब तक खींचते हैं, अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लो, जब तक कि एक नई हवा, एक नया जो लहर आती है, जो हवा की लहर आके उसके नहीं टकरा जाती है, तब तक हम क्या करते रहते हैं उस पतंग को खींचते रहते हैं, ताकि क्या हो कि वो नीचे डूबे नहीं, ठीक है। और डूबने से के मतलब क्या है, नीचे आके गिर न जाए, ठीक है। ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज का मतलब होता है हवा चलना, ब्रिज मतलब हवा का झोंका जो होता है ना, हवा का जो झोंका होता है उसे ब्रिज बोलते हैं। एंड इट्स विंग फील्स एंड अप इट गोस, ठीक है। और जैसे ही हम इसे खींचते रहते हैं कब तक, जब तक नई हवा नहीं आ जाती, ठीक है, जब तक कि नई हवा न्यू ब्रिज आती है तब तक हम इसे खींचते हैं, और जैसे ही हवा चलती है, जैसे ही दोबारा हवा चलनी शुरू हो जाती है तो क्या होता है, इट विंग्स फील्स, इसके जो पंख है, इसके जो पंख है, कौन से पंख, ये वाला पार्ट जो है ना पतंग का, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोला गया है, विंग्स बोला गया है, ठीक है। जैसे ही पतंग के जो विंग्स है वो हवा से दोबारा भर जाते हैं, मतलब कि जैसे ही इन विंग्स के हवा लगती है, पतंग के इस वाले हिस्से में हवा लगती है, एंड इट गोज एंड अप इट गोज, और हवा क्या करती है, इसको हवा पतंग को इसमें हवा भर के इसको पतंग को ऊपर तक लेकर चली जाती है, वापस उसको आसमान में लेकर चली जाती है, ठीक है। जैसे कि उसको वो दोबारा आसमान की ऊंचाइयों को छुआना चाह रही हो। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ये कितनी अच्छी लगती है, कितनी खूबसूरत लगती है, ऑन ब्लू, ऑन द ब्लू का मतलब क्या है यहाँ पर, आसमान, ठीक है। जो वर्ड है यहाँ पर ऑन द ब्लू, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, स्काई, ठीक है, आसमान, ठीक है। और दोबारा जब ये आसमान पर जाती है, तब दोबारा ये आसमान पर जाती है तो हाउ ब्राइट इट ऑन द ब्लू, तो ये आसमान में कितनी शानदार लगती है, कितनी अच्छी लगती है। इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, कि जब एक पतंग नई होती है तब वो आसमान में जाती है तो बहुत ही शानदार लगती है। बट ए रेजकर थिंग यू विल नेवर सी, ठीक है, लेकिन आप कभी पतंग को, जब हम कभी भी पतंग को इस तरह नहीं देखेंगे जैसे मानो वो एक चीर फाड़ करने वाली चीज हो, ठीक है। कि बहुत लोग बोलते हैं कि पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, उससे चीर फाड़ होती है ना, बोलते हैं ना कि डोर से हाथ कट जाते हैं, लग जाती है, गले कट जाते हैं, है ना, वो तो डोर करती है। लेकिन आपने कभी पतंग को देखा क्या ऐसा करते हुए, देखा कभी आपने, नहीं देखा होगा कि पतंग खुद लोगों को काट रही है, फिर चीर फाड़ कर रही है, नहीं करती ना पतंग ऐसा, पतंग तो सिर्फ आसमान में उड़ती है, ठीक है। तो हम कभी ऐसा नहीं देखते कि एक पतंग है वो क्या करती है, वो चीर फाड़ करती है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है अपना रोजगर, इसका मतलब क्या होता है, चीर फाड़ करने वाला, ठीक है। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि जब एक पतंग है, ठीक है, जब एक पतंग कट जाती है, आसमान से नीचे जाती है, हवा रुक जाती है, या फिर वो छूट कर कहीं और चली जाती है, तो जब ये एक कहीं और जाने पर ये एक ट्री के अंदर, एक पेड़ के अंदर अटक जाती है, और ऐसा लगता है, ठीक है,
जब ये एक ट्री में जाकर अटक जाती है तो क्या होती है, व्हेन इट्स फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग, तो अपनी जो डोर है ये उसके ऊपर लटक कर वहीं पर रहती है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, ये थी अपनी पोएम, कैसे लगी आप सबको, आई होप यू लाइक्ड इट। मजा आया पढ़कर पोएम को? यस सर। तो कैसे इसमें अच्छी तरीके से एक पतंग के बारे में बताया गया है ना, हैरी बैंड जो अपने पोएट है इस पतंग के, इस सॉरी पोएम के, इसका नाम है काइट, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस काइट के बारे में बताया है। काइट की जो कंपैरिजन है वो अलग अलग चीजों से करी है। फर्स्ट उन्होंने बताया कि जब वो आसमान में जाती है तो कितनी अच्छी लगती है, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जैसे शिप होता है, एक पानी का जहाज होता है, वो पानी पर चलता है लहरों के साथ तो कितना अच्छा लगता है, तो उसी चीज की तुलना पतंग से की गई है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि जैसे पानी का जहाज लहरों के ऊपर चलता है उसी तरह पतंग भी क्या करती है, पतंग भी हवा की लहरों में उड़ती रहती है, तैरती रहती है। ठीक है, तो अब हम इस पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है वो करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग सब वो आप लिखो इसके। ठीक है यस सर। यहाँ पे इस पोएम के अंदर जो ब्लू वर्ड है वो किसके लिया गया है, वो लिया गया है स्काई के लिए। ठीक है, आसमान के लिए। टाइप का मतलब क्या होता है, टू गो डाउन, नीचे जाना। इसको बोलते हैं गोता लगाना। ठीक है, इसमें बोलते हैं गोता लगाना। अगला वर्ड मीनिंग है स्नैप। स्नैप का मतलब क्या होता है, चटकना या लहराना। ठीक है, सर आप वर्ड मीनिंग करा रहे हो ना? हाँ बेटा वर्ड मीनिंग करा रहा हूँ।
सर प्लीज सर। सभी ने लिख लिया, सभी ने लिखा कि नहीं लिखा? अरे बेटा ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे, ठीक है। इसने लिख लिया, बहुत बढ़िया बात है। इसने नहीं लिखा है उसके लिए मैं इसका फोटो क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से लिख लेना, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, आपको पोएम को दोबारा रीड करना है, ठीक है? जो मैंने वर्ड मीनिंग आपको लिखा है उनको समझना है, उनको समझने के बाद आपको पोएम को दोबारा रीड करना है ताकि आप इन वर्ड्स को जान सको, इनका यूज समझ सको, ठीक है? टिल देन यस सर, गुड बाय, हैव ए सर। यस बेटा सर। यस सर, आनो चैप्टर 10 भेजा था मनियंत्री का। हाँ वो साथ में कुछ करना था क्या? हाँ
में सब कुछ करना था क्या? नो नो, सब कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन आंसर करने थे, ठीक है? क्वेश्चन आंसर है सर, कौन और कौन जो कौन 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 से वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है? सर आप उनकी फोटो भेज देना। यस श्योर, जो करने हैं। ओके टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। यस सर, यस सर।